Good morning students, how are you? I hope all are well at home. Today we are reading subject English, class 5th, chapter number 5. The lesson name is adding colors. रंगों को मिलाना। हम रंगों को कैसे मिलाकर बेसिक कलर से कुछ नए रंग प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हम इस पोएम में जानेंगे। This is the poem. ये एक पोएम है, कविता है। Let's start now. Adding white to grey, we get grey. अगर हम व्हाइट में सफेद को ब्लैक में काले से मिलाएंगे तो हमको ग्रे कलर प्राप्त होगा। गेट मीन्स प्राप्त होगा और ग्रे मीन्स स्लेटी कलर। अगर हम व्हाइट सफेद और काले को मिलाएंगे तो ग्रे कलर हमको मिलेगा। एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे। हमको रोजाना भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिस इज द पोएम आई फर्स्ट लाइन एडिंग व्हाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे। एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे। एंड नाउ सेकंड लाइन एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन। अगर हम येलो कलर को ब्लू से मिलाएंगे तो हमको कौन सा रंग प्राप्त होगा? ग्रीन, हरा रंग हमको मिलेगा। आवर हाउस शुड ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लीन। हमारा घर हमको हमेशा कैसा रखना चाहिए? साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, उसको मैनेज रखना चाहिए, एक व्यवस्थित रखना चाहिए। नाउ थर्ड लाइन इज एडिंग व्हाइट टू रेड वी गेट पिंक। अगर हम सफेद कलर को लाल रंग से मिलाएंगे तो हमको कौन सा रंग मिलेगा? पिंक। मॉर्निंग एंड इवनिंग मिल्क वी मस्ट ड्रिंक। सुबह और शाम को हमको ड्रिंक करना चाहिए। क्या पीना चाहिए? दूध हमको जरूर पीना चाहिए, सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है, तो इसको हमको जरूर पीना चाहिए। एडिंग येलो टू रेड वी गेट ऑरेंज। अगर हम येलो मीन्स पीले कलर को रेड यानी लाल कलर से मिलाएंगे तो कौन सा कलर मिलेगा हमको? ऑरेंज। गेट ऑरेंज, हमको कौन सा रंग प्राप्त होगा? ऑरेंज। आफ्टर बाइंग समथिंग वी शुड काउंट द चेंज। उसके कुछ समय बाद हमको क्या मिलेगा? उसका तो शुड काउंट द चेंज। जब भी हम किसी चीज को खरीदे तो उसके बाद जब अगर दुकान वाला हमको वापस खुले दे उसका चेंज दे तो हमको उसको काउंट करके एक बार श्योर हो जाना चाहिए कि उसने बराबर हमको दिए या नहीं दिए। आफ्टर बाइंग यानी किसी चीज को खरीदने के बाद। ओके, एडिंग ब्लू टू रेड वी गेट पर्पल। अगर हम इसको कौन से कलर को ब्लू को रेड से मिलाएंगे तो कौन सा? बैंगनी कलर। पर्पल मीन्स होता है बैंगनी, डार्क पिंक भी जिसको कहते हैं, वो कलर हमको मिलेगा। बैंगनी कलर हमको मिलेगा किसको मिलाने से? ब्लू को रेड से मिलाने से। मम्मी एंड पापा मेक अ लवली कपल। हमारे मम्मी पापा मिलकर बहुत ही सुंदर सा जोड़ा बनाते हैं। नाउ कंप्लीट दिस पोएम, लेट मी डू इन। ओके, आफ्टर दिस लेसन वी विल डू दिस ग्लोसरी। फर्स्ट वर्ड इज टाइडी। टाइडी मीन्स सुव्यवस्थित, अरेंज्ड नीटली एंड इन ऑर्डर। बाय बाय मीन्स टू गेट समथिंग बाय पेइंग मनी फॉर इट, खरीदना। बाय मीन्स होता है खरीदना। सेकेंड वर्ड इज काउंट, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप, यानी गिनना। काउंट करना मीन्स गिनना। चेंज, चेंज मीन्स बचे हुए पैसे, खुले पैसे या रेजगारी। पर्पल, पर्पल मीन्स बैंगनी कलर। और कपल मीन्स पति पत्नी जोड़ा। एक्टिविटी फर्स्ट, दिस इज एक्टिविटी नंबर वन। फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव टू डू दिस वर्क इन द फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग ब्लैक टू वाइट। कौन से कलर को मिलाने से हमको ग्रे कलर मिलेगा? ब्लैक से वाइट को मिलाने से। और सेकेंड है टू गेट ग्रीन कलर वी शुड मिक्स। कौन सा कलर मिलाएंगे हम ग्रीन में? ग्रीन के लिए ब्लू एंड येल्लो, ब्लू और येल्लो को मिलाएंगे तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आंसर ब्लू। एंड थर्ड इज इफ़ वी मिक्स रेड एंड विच कलर? ब्लू कलर। अगर हम लाल को ब्लू से मिलाएंगे तो वी विल गेट पर्पल कलर, तो हमको कौन सा कलर मिलेगा? पर्पल। देर आर फर्स्ट आंसर इज वाइट, सेकेंड ब्लू एंड थर्ड ऑल्सो ब्लू। नाउ क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच कलर डू यू नीड टू गेट पिंक कलर? आपको पिंक कलर प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कलर को मिलाना होगा? वाइट एंड रेड। सफ़ेद और लाल को आपको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पिंक कलर आपको मिल जाएगा। व्हाट कलर इज द मिल्क? दूध का कौन सा कलर होता है? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, वाइट। मिल्क कलर इज वाइट। हाउ कैन यू गेट ऑरेंज कलर? आपको ऑरेंज कलर कैसे मिलेगा? एडिंग येल्लो टू रेड। आपको येल्लो में रेड मिलाने से क्या हो जाएगा? वो ऑरेंज कलर मिल जाएगा। वाई शुड वी काउंट द चेंज आफ्टर बाइंग समथिंग? हमको कोई भी शॉपिंग करने के बाद जब हमको चेंज मिलता है तो हमको उसको काउंट क्यों कर लेना चाहिए? फॉर श्योरिटी टू चेंज इज़ करेक्ट। हमको उसकी
विश्वास करने के लिए कि हमको पूरा तरह से उसने अच्छी तरह से चेंज दिया ठीक तरह से, तो उसको हमको काउंट करना चाहिए. नाउ देयर इज सेकंड एक्टिविटी, देयर इज सम कलर्स आर देयर, यू हैव टू मैच फ्रॉम हियर टू हियर और राइट द करेक्ट नेम हियर. देयर फर्स्ट कलर इज येल्लो एंड येल्लो नेम इज हियर. सेकेंड इज रेड, थर्ड ग्रे कलर. यू कैन मैच फ्रॉम हियर टू हियर एंड राइट हियर ऑल्सो आंसर एंड ग्रे आफ्टर ग्रीन एंड ऑरेंज ब्लू पिंक एंड इंडिगो कलर. देयर सम आंसर इज हियर. नाउ बी एक्टिविटी, राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट एंड विथ सेम साउंड्स, फॉर एग्जाम्पल पेन और टैन. यहाँ पर कुछ राइमिंग यानी जो कविता में लिखे गए हैं वर्ड सेम प्रोनंसिएशन जो सेम लगते हैं उनको आपको उसके आगे लिखना है, जैसे कि ट्रे स्क्रीन थिंक, इनको आपको पोएम में से फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है जो राइमिंग में हो. नाउ एक्टिविटी नंबर थर्ड, से दीज वर्ड्स अलाउड, इनको जोर से आपको बोलना है. रेड हैड सैड बैड ब्लैक पैक रैक बैक ब्लू यू टू शू वाइट हाइट राइट लाइट लाइक दिस टाइप. नाउ एक्टिविटी नंबर फोर, देयर इज गो टू द वेजिटेबल मार्केट विथ योर पेरेंट्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट यू सी देयर. नाउ राइट द कलर्स ऑफ दीज वेजिटेबल्स अगेंस्ट देयर नेम्स. आपको अपने मम्मी पापा के साथ वेजिटेबल मार्केट एंड सब्जी बाजार में जाना है और वहाँ पर सारी सब्जियों के कलर के नेम आपको लिखना है. तो एक लिस्ट बनाएंगे आप, उसमें पहले सब्जी का नेम लिखेंगे और उसके आगे आप क्या लिखोगे उसका कलर, कौन से कलर की वो सब्जी होती है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रेनबो. आपको अपनी नोटबुक में एक रेनबो बनाना है जिसको इंद्रधनुष कहते हैं हम हिंदी में. डू यू नो द एक्रोनिम फॉर द कलर्स ऑफ द रेनबो. आपको उनके सही कलर पता है क्या, उनमें कौन कौन से कलर होते हैं. नाउ राइट हियर ऑल द कलर. फर्स्ट इज वी आई बी जी वाई ओ आर. देयर इज सम स्टार्टिंग वर्ड्स आर देयर. यू हैव टू राइट हियर फुल नेम ऑफ द कलर. फर्स्ट इज वायलेट, सेकेंड इंडिगो, थर्ड ब्लू, फोर ग्रीन, फाइव येल्लो, सिक्स ऑरेंज एंड सेवन कलर इज रेड. नाउ ओके आर लेसन इज कम्प्लीट. नाउ डू दिस ऑल वर्क इन योर नोटबुक एंड इन गुड राइटिंग. ओके थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.